हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी मैरी क्रिसमस। तो अभी निकल रहे हैं घर से, अभी घूमने जा रहे हैं कहीं। तो चलिए आप लोग को भी लेकर चलते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी तो हम पटना में हैं, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। मिलते हैं, चलिए ऐसे लेकर चलते हैं, आप लोग भी साथ साथ चलिए। ये देखिए टिकट ले लिया, तो अभी अंदर चलेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए अंदर। तो चलिए आते हैं। यहाँ पे देखिए पटना में आए हैं बुद्धा पार्क घूमने के लिए। यहाँ पे देखिए अभी अंदर वो शाम हो गया, तो काफ़ी लेट हो जाएगा हम लोग को घूमते घूमते। तो चलिए आप लोग को भी साथ साथ घुमाते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं जो बुद्धा पार्क आए हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि चलिए मैं बुद्ध भगवान को मिलाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए मेरे साथ आप लोग भी। यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग भी बनाए हैं, थोड़ा वो ब्लॉग बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पज़ था आने का, अपने बच्चों को लेकर के घुमाने के लिए। तो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं, रील भी बनाए हैं, और बच्चे फिर पता नहीं किधर खो गए हैं। तो अभी जा रहे हैं अपने बच्चे के पास। तो चलिए आप लोग को भी लेकर चलते हैं। सब अपना अपना दुनिया में बिजी है आज के लाइफ में, सब लोग
काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो चले आप लोग को भी लेके चलते हैं। कहाँ बच्चे हैं पता नहीं। मिल नहीं रहे हैं तो चलिए आप लोग भी मेरे ढूंढने में मेरे बच्चे को मदद कीजिए। रील तो बहुत मज़ा आया बनाकर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे पूरा मस्ती कर लिए और लास्ट का ये जो मैंने कल दी थी मेरा पास से, और ज़्यादा नहीं बस पार्क का ही टिकट लिया था क्योंकि काफ़ी वहाँ पे भीड़ थे तो अच्छा से घूम भी नहीं पाते और बच्चे भी थे तो शांति अस्त कल लिए नहीं टिकट, तो बस नीचे पार्क का ही लिए थे। तो अभी घूम लिए, वीडियो भी बनाए, ब्लॉग बनाए, रील बनाए, तो अभी यहाँ पे निकल रहे हैं, एग्जिट हो जाएंगे बाहर, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। अभी जा रहे थे रास्ते में और कुछ अभी बुद्धा पार्क से निकल रहे हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद फिर थोड़ा और टाइम बचता है, जो कहीं और भी जाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग चलिए, बच्चे लोग नहीं मिल रहे थे इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, बीच बीच में रुक जा रही थी और बच्चों को देखना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे भी हैं साथ में, जो मेरा चश्मिस है, और ये भी मेरा बेटा ही है दीदी का, तो वो भी ब्लॉग में आ रहा था, बोल रहा था मौसी मुझे भी थोड़ा अपना ब्लॉग में ले लीजिए, तो मैं उसे भी ले रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो अभी देखिए यहाँ पे गेट से एग्जिट हो गया, तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे इसलिए यहाँ पे कैमरा भी ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं, और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते किए। और यहाँ पे देखिए बुद्धा पार्क से निकल गया, कुछ खा भी लिए थे, गोलगप्पा खाया था, और कुछ खाने के लिए मैं बाहर जा रही थी तो बेटा को बोली कि चलो बेटा कहीं लेकर चलो, तो मैं बाइक से जा रही थी घूमने यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इवनिंग था और पटना में काफ़ी दिन से बाइक पे नहीं गए थे, तो मैं दीदी को बेटा को बोली कि चलो कुछ खा कर आते हैं, तो मैं गई। और उस दिन केक भी कट किया क्रिसमस का, लेकिन उसका ब्लॉग भी नहीं बनाई क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे जब केक कट कर रहे थे, बस हम और मेरा बेटा था, तो इसलिए मेरे बच्चे नहीं थे। बेटा जब जो बोल रहे हैं कि जो मेरा बेटा था वो मेरे एक्चुअली मेरी दीदी का बेटा है जो मेरा वीडियो शूट करता है यहाँ पटना में, और उसी के साथ बाइक पे जा रही हूँ।